नमस्कार, मेरा नाम आचार्य अनुज है। आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन किया और हमारा मार्गदर्शन करा। आइए देखते हैं कि ज्योतिष की दृष्टि से यह समय क्या कहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लॉकडाउन 2.0। आज 10 बजे जिस समय राष्ट्र को संबोधन या राष्ट्र के लिए नई नीतियों का निर्धारण हुआ, उस समय के ऊपर मिथुन लग्न उदय हो रहा था और ये लगभग राहु के साथ कंजंक्शन की स्थिति के अंदर था। 7 डिग्रीज के ऊपर असेंडेंट भी था और राहु भी था। इसका मतलब ये है कि इट वॉज नॉट ए वेरी गुड इंफॉर्मेशन। ये कहीं ना कहीं अनक्लियर था, कहीं ना कहीं ये एक ट्रेजिक मोमेंट के बारे में बात हो रही थी और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन थी, स्टेट ऑफ डेलिब्रेशन थी एंड इट वॉज ए डुअल करेक्टरिस्टिक लग्न। मिथुन इज अ डुअल करेक्टरिस्टिक, यानी कि दो बातें इसके अंदर शामिल हो रही थी। दो बातों से अर्थ ये है कि यह अभी अनक्लियर है, ये जो मैसेज है, ये जो नीति निर्धारण है, ये अभी अनक्लियर है। रेस्ट विल कम afterwards, अभी इसका एक अंश आना बाकी है। लग्नेश बुध होकर नीचत्व की स्थिति के अंदर दशम भाव में बैठा है। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर एक हिडन एजेंडा होगा और ये एजेंडा कहीं ना कहीं बिजनेसेस को लेकर होगा। 10th house is the house of business, 10th house is the house of repute and 10th house, जब यहाँ पर मर्करी बैठा हुआ हो लग्न होकर, तो इसकी सेंस इकोनॉमिक्स के साथ में बहुत ज्यादा जुड़ जाती है। यानी कि ये कहीं ना कहीं अर्थ को लेकर, यानी कि रुपए पैसे को लेकर, व्यापार को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर एक स्टेटमेंट है। What is this statement? मर्क्यूरी निचत्व भाव के अंदर बैठा है, लेकिन जहां पर वह दृष्टि डाल रहा है, फोर्थ हाउस, दैट इज द हाउस ऑफ कन्या लग्न, हाउस ऑफ कंफर्ट, घर में रहना, यानी घरों में रहने के लिए भी दो कंडीशंस बना दी गई हैं। और सिक्स्थ हाउस वर्गो साइन इज एग्रीकल्चरल साइन, सो यानी कि एग्रीकल्चरल को लेकर कुछ बातें इसके अंदर, मल्टीपल बातें शामिल होंगी। और ऐसा हुआ भी कि हमने देखा कि एग्रीकल्चर को लेकर उन्होंने कहा कि वो कुछ रियायतें या कंसिडर करेंगे, रबी की फसल तैयार है उसके लिए और गरीब तबके के लिए नई योजनाएं सामने आएंगी और वह उनकी प्रायोरिटी रहेगी, राष्ट्र की प्रायोरिटी रहेगी। आई एम थिंकिंग विद दिस कॉम्बिनेशन कि शायद अभी इसका एक अगला पार्ट भी आना बाकी है। This is not the final statement or final policy. Residual should come because Mercury दो भागों को in minimum signify करता है। एक और important combination भी इस समय बनी है। Third Lord Sun 11th के अंदर है। इसका मतलब यह है कि सरकार और राज्य, सत्ता लाभ में आकर और भी बड़े निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि भी सूर्य के ऊपर है। दे कैन टेक स्ट्रिंजेंट ऑफ द डिसीजंस, बहुत ही सख्त डिसीजंस लिए जा सकते हैं बाय फोर्स। सो फोर्स विल कम इनटू एक्शन अकॉर्डिंग टू दिस लग्न। गवर्नमेंट का लॉर्ड सूर्य इस समय के ऊपर अश्वनी नक्षत्र के अंदर है, अश्वनी जो कि देवताओं की वैद्य हैं। और मैं इस समय का पहले से भी इंतजार कर रहा था कि कहां 14 अप्रैल से और अगले 13 दिन तक जब सूर्य अश्वनी के अंदर होंगे, उस समय के ऊपर कोई हीलिंग्स वगैरह की बातें हों या उस समय के ऊपर कोई दवाइयों का आविष्कार या डॉक्टर्स वैज्ञानिक लोग आ गए हैं। तो आज प्रधानमंत्री ने भी इस चीज का जिक्र किया कि उन्होंने आह्वान किया वैज्ञानिक कम्युनिटी का, डॉक्टर्स का, कि वे आगे बढ़ें और इस विपदा महामारी की रोकथाम के लिए अपना और भी ज्यादा सहयोग दें। और मुझे उम्मीद है कि
कि शायद आने वाले 10-15 दिनों के अंदर, जब तक सूर्य अश्विनी के अंदर रहते हैं, यहाँ पर हम कुछ ना कुछ उपलब्धि प्राप्त कर पाएंगे, संसार में किसी ना किसी प्रकार से हीलिंग्स व्याप्त होंगी। और इसका प्रमाण ये भी है कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि केतु लग्न को देख रहा है, यानी कि उनकी जो घोषणा थी वह इस हीलिंग्स के आसपास भी कहीं पर थी, वह फोकस यहाँ भी था। आने वाले समय में सूर्य भरणी के अंदर प्रवेश भी करेंगे इन 13 डेज के बाद में, और वह 13 डेज लगभग 11th ऑफ मई तक रहेगा, और भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र 12वें भाव के अंदर है, और 12वें भाव में ही होगा उस समय के ऊपर जब अगला संबोधन या अगली नीति निर्धारण होगी। तो सिंस वीनस इज इन 12th, तो और शुक्र स्वराशि का होगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी कोई बड़ा फेवरेबल निर्णय तुरंत लागू होगा। अगर वह होगा भी तो वह 10-11 मई के उपरांत ही होगा या चरणबद्ध तरीके से होगा, क्योंकि भरणी का नक्षत्र कहीं ना कहीं यम नक्षत्र है और वह शुभ प्रभाव नहीं देता है, लेकिन शुक्र 12वें का प्रभाव आएगा, सो दैट मीन्स दी फाइनेंशियल पोजीशंस में स्टार्ट इंप्रूविंग आल्सो एक्सपेंडिचर्स, और एक बड़ी योगदान सरकार की तरफ से, आर्थिक योगदान सामने आ सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात इस योग में, जो 10 बजे का योग है, इसमें नजर आती है, सिक्स्थ लॉर्ड मार्स, षष्ठ भाव हमारे शत्रु का या रोग बीमारी या हमारी टेंशन या तत्कालिक लग्न के ऊपर जो भी विपदा व्याधा है उसके ऊपर है, और ये भी इस खूबसूरती से नजर आ रहा है कि सिक्स्थ का लॉर्ड मार्स मंगल, जो कि तीक्ष्णता, अटैक, पुलिस, प्रबलता, करेज का स्वामी है, वह अष्टम के अंदर बैठा हुआ है। इस समय के ऊपर वह श्रवण नक्षत्र के अंदर है, और श्रवण नक्षत्र कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों के साथ संबंधित रहता है, उनकी सेवा के लिए या उस मात पितृ की भावना के लिए। और ये भी एक अचंभा है कि प्रधानमंत्री जी ने बुजुर्गों की सेवा को 7 बातों में से प्रथम स्थान दिया, तो इस कारण से मैं समझता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं एक बात है कि उनकी सेवा हमें वास्तव में करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल श्रवण नक्षत्र में अष्टम भाव के अंदर है, तो वो डैमेजेस होने की संभावनाएं बन सकती हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी इज कंसर्न। उसके बाद आगे मंगल कहीं ना कहीं धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे, और धनिष्ठा के अंदर प्रवेश करने के बाद हम देखेंगे कि मंगल फिर भी 8th हाउस में ही रहेगा। और अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात खड़ी होगी कि 15 मई के आसपास मंगल का प्रादुर्भाव शतभिषा नक्षत्र के अंदर होगा। शतभिषा इज अगेन ए वेरी हीलिंग स्टार। शतभिषा मीन्स 100 फिजिशियंस और 100 गॉड्स, और उस समय के ऊपर मैं समझता हूँ जो ये 15 मई के आसपास का टाइम होगा, उस समय के ऊपर चूंकि मंगल 6th, 8th और 11th का लॉर्ड बनेगा, सो उस समय के ऊपर उसको पूरी तरीके से उस उपचार को लागू कर दिया जाएगा, यानी कि 15th में से ऑनवर्ड्स। सो इस तरीके से जो आज की ये लग्न है, आज का जो ये गोचर है, मुझे इन सब चीजों की सेंस कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई नजर आती है, और लगता है कि जिस योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी समस्त शासन प्रशासन जिस प्रकार से अपने कार्य को कर रहा है, उससे निसंदेह